दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम आपको दांत को खत्म करने का उपाय बताएंगे। दांत एक बहुत ही बेकार सी बीमारी होती है दोस्तों, इसको हम बेकार बीमारी ही कह सकते हैं क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी है। अगर किसी को दांत होता है और हम उसके कपड़े या उसको छूते हैं, उससे कपड़े इधर उधर करते हैं या उससे मिलते जुलते हैं, तो उससे हमें भी इन्फेक्शन हो सकता है, हमको भी दांत हो सकता है। तो ये दांत की बीमारी बहुत ही बेकार होती है। पहले तो ये छोटे छोटे चकत्ते के रूप में दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, थोड़े समय के बाद ये बहुत तेजी से फैलने लगता है। ये हमारे हाथ, जांग, पैर, दाढ़ी, गाल, ये ऐसी जगहों पर होता है जो कि बहुत ही ज्यादा देखने में भी खराब लगता है दोस्तों। तो इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, दांत को आप किस तरह से बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, हम आपको पूरा बताएंगे। आप सभी लोग हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आती है तो लाइक भी करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना दोस्तों। दांत जैसी खतरनाक बीमारी को खत्म करने के लिए आपको पपीते का दूध दांत वाली जगह पर लगाना चाहिए। अगर आप पपीते का जो दूध निकलता है, कच्चा पपीता जब आप लेंगे तो उसमें से दूध निकलेगा, वही दूध आप दांत वाली जगह पे लगाइए, आपका दांत धीरे धीरे करके चला जाएगा दोस्तों, क्योंकि दांत में खुजली भी होती है जिससे बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो आप पपीते का दूध जरूर लगाएं, ये बहुत ही बढ़िया उपाय है, रामबाण है दांत के लिए। दांत को ठीक करने का हम आपको दूसरा उपाय भी बता देते हैं। गुलाब का फूल ले लीजिए दोस्तों, और उसकी पत्तियां ले लीजिए, और उसकी पत्तियां ऐसे करके आप निचोड़ दीजिए। ऐसे जब करके आप निचोड़ेंगे तो उसका रस निकलेगा, गुलाब की पत्तियों का रस, जो फूल की पत्तियां होती है उसका रस आपको निकाल लेना है, और उसमें नींबू का रस मिलाइए। नींबू का रस और गुलाब की पत्तियों का रस मिला करके आप दांत वाली जगह पर लगाइए, इससे आपका दांत बहुत जल्दी चला जाएगा। दांत को ठीक करने का हमारा तीसरा उपाय है कि आप कच्चा लहसुन ले लीजिए और उसकी एक कली को छील लीजिए, छील कर उसको बीच से कट करिए दोस्तों, और कट करने के बाद आप दांत वाली जगह पर उस लहसुन की कली को रगड़िए, इससे आपका दांत बहुत जल्दी चला जाएगा। अगला हमारा उपाय है, आप बबूल के फूलों को भी पीस कर सरसों के तेल में मिलाकर अपने दांत वाली जगह पर लगाएंगे तो इससे भी आपका दांत बहुत जल्दी चला जाएगा। काली मिर्च को पीस कर आप देसी घी में मिक्स करके अपने दांत वाली जगह पर लगाएंगे, तभी आपका दांत बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये हमारे छोटे छोटे से उपाय हैं दोस्तों, ये घरेलू उपाय हैं और बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं, किसी भी तरह का इससे कोई नुकसान नहीं होता है हमारी स्किन को। तो आप जरूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहिए, और हमारा चैनल यूं ही देखते रहिए, हमारी वीडियो ऐसे ही देखते रहिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।